हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस बच्चे ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, वो भी अपना ड्रीम कॉलेज क्रैक कर सकता है। बच्चों, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके अपना ड्रीम कॉलेज मुझे बताना है और हम लोग वो ड्रीम कॉलेज पक्का क्रैक करेंगे। बच्चे, एवरीबॉडी कैन डू इट एंड आई नो दिस, ठीक है? आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे साथ बने रहना है और स्ट्रैटेजी को पेन एंड पेपर पर नोट डाउन करना है, जिससे कि आप इसको रेगुलरली फॉलो कर सकें। आज मैं आप लोगों को ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो कोई भी किसी ने भी कभी नहीं बताई है, ठीक है? मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने खुद ने पेपर दिया है, तब जाके मेरे को ये चीज़ें पता लगी हैं, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया हुआ। बच्चों, आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब पक्का कर लेना है बच्चों, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जो आपको कोई नहीं बताता, ठीक है? कोई भी टीचर नहीं बताता, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता और आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप लोगों को पक्का सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, और कमेंट में जब आप अपना ड्रीम कॉलेज बताओगे तो सब्सक्राइब पहले कर लेना, क्योंकि नहीं तो आपका कमेंट मुझे नहीं दिख पाएगा बच्चों। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को कल यानी कि 20 मार्च को एक मॉक टेस्ट लगानी है बच्चों, ठीक है? एक मॉक टेस्ट आप लोगों को लगानी है। आप लोगों की जीरो प्रिपरेशन हुई है, मैं ये अज्यूम करके चलूँगी, लेकिन फिर भी आपको कल एक मॉक टेस्ट लगाना है। क्यों लगाना है? आप सोचोगे दीदी पागल हो गई, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, ठीक है? इसके बहुत सारे रीजंस और एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है बच्चों, ठीक है? सबसे पहले अगर आप कल एक मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, उससे हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हुई है, और मैं आपको वो भी बताऊंगी कि ये चीज़ कैसे देखनी है, ठीक है? आपको मॉक देने के बाद कैसे एनालाइज करना है हर चीज़ को। सबसे पहले आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए एनरोल करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? आप लोगों को कल एक मॉक टेस्ट देनी है और आगे आने वाले दिनों में तो आपको और भी मॉक टेस्ट देने होंगे। मैं बताऊंगी आपको कब कब देना है, लेकिन आप लोगों को मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है बच्चों। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है बच्चों। आप लोगों के लिए सीईटी जैसे लेवल के क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस एज इट इज़ क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले हैं जो कि इस साल भी आएंगे। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए एनरोल हो जाना है बच्चों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोगों को ज़रूर एनरोल हो जाना है। आप लोगों ने कल एक मॉक टेस्ट लगाई, उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है बच्चों। आपको एक सेक्शन उठाना है सबसे पहले। सबसे पहले आपने फिजिक्स उठा लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन देखना है। सबसे पहली वार्निंग है, कल के मॉक टेस्ट में कोई भी तुक्का नहीं मारेगा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना ट्राई करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो रैंडम मार्किंग नहीं करनी है सिर्फ और सिर्फ कल के मॉक टेस्ट में, ठीक है? आप लोगों को सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद एक सेक्शन उठाना है। उस सेक्शन में आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ना है वापस, ठीक है? एग्जाम खत्म होने के बाद आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, फॉर सपोज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक से था, ठीक है? आपने बोर्ड्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, लेकिन आपको मॉक टेस्ट में पेपर में नहीं आया क्वेश्चन, तो आप लोगों को अपने आप को अंदर से पूछना है कि हमें क्यों नहीं आया। पहला रीजन हो सकता है कि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था एचएससी बोर्ड में, वो नोट डाउन करके रख लोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। दूसरा हो सकता है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा ही नहीं हो, तो आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, ठीक है? तीसरा हो सकता है कि आपने पढ़ा था लेकिन आपको एग्जाम में स्ट्राइक नहीं हो, तो आप वहाँ पे लिखोगे टाइम इशू। तो पहला है कि आपको आ गया, ठीक है? दूसरा है कि आपको नहीं आया, तीसरा है कि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकिन टाइम का जैसे आपको स्ट्राइक नहीं हुआ, ठीक है? ऐसे करके आपको रीज़न जो है वो हर चैप्टर के क्वेश्चन के आगे लिखते जाना है, ठीक है? ऐसे करके आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, मेरे कौन से वीक एरियाज हैं, वो हमारे को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को आगे पढ़ सकते हैं। एक बार आप लोगों को अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो गया, आपने सारे चैप्टर के नाम लिख लिए, ठीक है? अब हमारा सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप क्या है कि इनमें से हमारे को छांटना है कौन से हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एरियाज में से भी और वीक एरियाज में से भी। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज के चैप्टर्स होंगे, ठीक है, उसमें से जो हाई वेटेज के चैप्टर्स होंगे आपको उनको पक्का करना है। उनको पक्का करना है मतलब उनको एकदम पॉलिश कर देना है, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आपको इसमें से कुछ आएगा ही नहीं, इस तरीके से आपको करना है। और जो वीक एरियाज में से आपके हाई वेटेज चैप्टर्स होंगे उनको हमारे को अच्छे से पढ़ना होगा। अब हम एचएससी बुक्स में से एक एक लाइन नहीं पढ़ पाएंगे बच्चों, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे को प्रैक्टिस भी करना है, हमारे को मॉक टेस्ट भी देनी है, हमारे को पढ़ना भी है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि आप लोग क्रैश कोर्स लगा लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट टाइम में सीईटी लेवल की थ्योरी पढ़ा दी जाएगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दी जाएंगे, तो आपको एप्लीकेशन भी करवा दी जाएगी बच्चों। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पूरा क्रैश कोर्स अच्छे से डिज़ाइन किया है, जहाँ पर 1500 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करवाए, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, क्रैश कोर्स में ज़रूर एनरोल हो जाना है बच्चों। अब हमने हमारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, तो हर एक चैप्टर क्रैश कोर्स से पढ़ते टाइम आप लोगों को फॉर्मूला शीट्स बनानी है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला शीट्स में इंपॉर्टेंट थ्योरी और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? मैं बोलती रहूँगी आपके एंड ऑफ द डे तक, बोलती रहूँगी एंड ऑफ द एग्जाम तक, बोलती रहूँगी फॉर्मूला शीट्स बनाने हैं बच्चों, क्योंकि ये आपके रिविजन में हेल्प करेंगे आपको। ऐसे करके आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ये सारी चीज़ें पेपर पर लिख लेंगे, और इसके बाद ही आपको पढ़ाई करनी है बच्चों।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के हाई वेटेज चैप्टर्स के स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज को हम लोग जब अच्छे से कर लेंगे, हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए होंगे और फॉर्मूला शीट्स बना ली होंगी, तो फिर हम अपने मॉक टेस्ट पे जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले कल एक मॉक टेस्ट देंगे, फिर हम 27th को मॉक टेस्ट देंगे, उस दौरान में हमारे को हाई वेटेड चैप्टर्स कंप्लीट करने। फिर 1 अप्रैल से हम लोग रोज़ मॉक टेस्ट देंगे बच्चों, और 1 अप्रैल से जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, या फिर जो 11th के कम मार्क्स के लिए जो चैप्टर्स आते हैं, वो चैप्टर्स को हम 1 अप्रैल से करेंगे, ठीक है। सारे के सारे वेटेज के चैप्टर्स ऐप पे डाल दिए बच्चों, तो ऐप को डाउनलोड करके फ्रीली आप लोगों को मिल जाएंगे। आपको वेटेज दे दिए चैप्टर्स के, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए, तो कहीं पे भी पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों। तो आप लोगों को अप्रैल के स्टार्टिंग तक अपने सारे के सारे हाई वेटेज चैप्टर्स कर लेने और 2 मॉक्स देने हैं बच्चों। आप लोगों को मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोगों को कर लेना है बच्चों, क्योंकि सिमिलर लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को सीटी में मिलने वाले हैं, ठीक है। और क्रैश कोर्स से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी है आपको, जिससे कि हम अप्रैल से मॉक टेस्ट हर दिन देना स्टार्ट कर सके। मॉक टेस्ट के एनालिसिस की वीडियो भी मैं जल्दी लाऊंगी बच्चों, तो आप लोगों को बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं। इस स्ट्रैटेजी से हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, हम हाई वेटेज के चैप्टर्स पहले कंप्लीट करेंगे, हम 2 मॉक टेस्ट मार्च तक देंगे बच्चों, और इससे आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी से आप लोग पक्का अच्छे से स्कोर करोगे बच्चों। ये मार्च का टारगेट है आप लोगों का। प्रैक्टिस आप लोग कहाँ कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करोगे, मॉक्स से करोगे, 2 मॉक्स के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, और आप लोग क्या करोगे, अपनी HSC बुक के पीछे के क्वेश्चंस कर लोगे, अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करते जानी है बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से आपका होगा। मैं आप लोगों के लिए डेली स्ट्रैटेजीज लेते जाऊंगी, हर दिन एक एक चीज़ आप लोगों के लिए कवर करती जाऊंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों, तो कॉमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा, कुछ भी डाउट होता है तो भी बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड बूस्ट योर स्कोर।